हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जर्नल स्टार्ट किया था। जर्नल में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था परचेज़ में हमने देखा कि परचेज़ हम दो तरह से करते हैं, या तो हम परचेज़ करते हैं गुड्स को या फिर एसेट्स को। जो गुड्स का टॉपिक है वो हम लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे परचेज़ ऑफ एसेट्स। कंपनी में बहुत सारे टाइप के जो एसेट्स हैं वो परचेज़ किए जाते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट। तो आज हम देखेंगे इनकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। तो आपको इस तरह से जो क्वेश्चन वो दिया होगा और हम उसका सॉल्यूशन इस जर्नल के फॉर्मेट में डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें बोला हुआ है पास जर्नल एंट्रीज 2021 फर्स्ट की हमें एंट्री दी हुई है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीनरी को कैश पे परचेज किया है फॉर ₹50,000। अब अगेन इसमें हम जर्नल का रूल जो है गोल्डन रूल उसको फॉलो करेंगे। पर्सनल रूल हमारा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल का था हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम जो है जर्नल की एंट्रीज है वो करेंगे। तो जब हमने मशीनरी को परचेज किया होगा तो मशीनरी हमारे पास इन हो रही है, तो अगेन हम इसको सर्कल करेंगे और इसको इन लिखेंगे। इन जो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब हमने मशीनरी परचेज़ किए वो कैश दे के हमने परचेज़ किए, तो हमसे कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारी अब जर्नल की एंट्री बन गई है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस जर्नल की एंट्री को हम जर्नल के फॉर्मेट में पोस्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम डेट डालेंगे फैब फर्स्ट। तो अब हम इसमें लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट थोड़ा दूर करके हम लिखेंगे और आगे हम थोड़ी सी स्पेस छोड़नी होती है टू कैश अकाउंट। तो इसकी अमाउंट है 50,000। तो 50,000 हम डेबिट में डाल रहे हैं और 50,000 क्रेडिट में। ये हमारी एंट्री हो गई है। जर्नल की एंट्री करने के बाद हमने क्या करना होता है, नरेशन को लिखना होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग नरेशन। नरेशन हमें स्टार्ट होती है बीइंग के साथ, बींग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। तो इस तरह हमने फर्स्ट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब फैब टू की सेकंड हमारी ट्रांजैक्शन है, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹2,20,000। जब हमने कंप्यूटर को परचेज किया, कंप्यूटर हमारे पास इन हो रहा है, आ रहा है हमारे पास, और कैश हमसे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर इन हो रहा है, इसको हम सर्कल कर दिए, हमारा डेबिट होएगा, और कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, हमसे जा रहा है, इसको हम क्रेडिट में डालेंगे। तो अगेन फैब टू कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, आगे स्पेस छोड़ने के बाद टू कैश अकाउंट 20,000 को हम डेबिट कर देंगे और 20,000 को क्रेडिट। फिर इसकी नरेशन लिखेंगे, बींग कंप्यूटर परचेस्ड फॉर कैश। नाउ फैब थ्री की हम ट्रांजेक्शन देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000 फ्रॉम एस के ट्रेडिंग। जो हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं आर के ट्रेडिंग से, वो क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे पास इन हो रहा है, इन तो हम डेबिट करेंगे। जब हम कोई चीज़ उधार पे ख़रीदते हैं तो हम उसका नेम देखते हैं, किस कौन क्रेडिटर है, हमसे किससे परचेज किया है, तो इसमें हमने परचेज किया है आर के ट्रेडिंग, ये क्या होगा, क्रेडिट। तो ये हमारे तरफ से गिवर ही हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे फैब थ्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जिससे हमने खरीदा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, वो हमारा क्रेडिटर है आर के ट्रेडिंग कंपनी है ये।
और हमने इससे 30,000 का परचेज किया। 30,000 डेबिट कर देंगे और 30,000 को हम क्रेडिट कर लेंगे। और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। नाउ हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड इन्वेस्टमेंट ₹5,000 ऑन क्रेडिट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है लेकिन हमें क्रेडिटर का नेम नहीं पता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास इन हो रही है, इसको हम डेबिट करेंगे और हमें क्रेडिटर का ना पता नहीं, हम जिससे खरीदे हम उसको क्रेडिटर ही लिखेंगे और क्रेडिटर को हम क्रेडिट करेंगे। तो 5-4 की ये बनेगी एंट्री हमारी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो ये हमने परचेज किया है 5,000 की इन्वेस्टमेंट को। तो इसकी नरेशन बन जाएगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब मैं इसी को लिख रही हूँ, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट होगी, जो हमें जो ट्रांजैक्शन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने जर्नल की एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। थैंक यू।